गुड इवनिंग टू ऑल माय टिंसल फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, राइट? एंड सबसे पहले आई एम सो सॉरी गाइस, बिकॉज पिछले 4-5 दिनों से मैं कोई भी वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मैं मेरे काम में बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी, तो वीडियो बनाने के लिए मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था। वेल, इस वक्त कलेक्टिव में बहुत सारे एनर्जी का शिफ्टिंग हो चुकी है, बहुत सारे नए नए एनर्जी भी कलेक्टिव में आ चुकी है जो आप लोग फील भी कर रहे होंगे, राइट? मतलब पिछले 4-5 दिनों से आप सभी ने एक हैवी एनर्जी को फील कर रहे होंगे, राइट? मतलब जैसे कि आपकी लाइफ में कोई डिजास्टर आ गया हो या फिर कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स जो आप खुद हैंडल नहीं कर पा रहे थे, वही सारे प्रॉब्लम अब थोड़ा सा ख़त्म हो गई है, ठीक है? आप उस प्रॉब्लम से बाहर आ चुके हैं, प्रॉब्लम से बाहर निकल चुके हैं, राइट? तो जो भी डिवाइन फेमिनेंस इस वक्त थोड़ा पजरी फील कर रहे हैं, तो आप लोग समझ जाएगा कि आपकी जो एनर्जी का शिफ्टिंग चल रही थी, आपकी एनर्जी हायर डायमेंशन में शिफ्ट हो चुकी है, ठीक है? एंड जो लोग अभी भी उस नेगेटिविटी में है, जिन लोगों की लाइफ में अभी भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, आप लोग अपने इनर ग्रोथ पर काम करिए, ठीक है? अपने अंदर की जो भी नेगेटिविटी है, जो भी वाउंडेड एनर्जी अभी तक है, आप उन एनर्जी को पहले हील करना सीखिए, ठीक है? आप अकेले में खुद को ऑब्जर्व करना सीखिए, आपके अंदर कौन कौन सा कमी है, आपको डिवाइन क्या क्या सिखाना चाहता है, आप उसे खुद एनालाइज करिए, ओके? आप अगर आपने कुछ आपके थ्रू कुछ गलती हो गई है, आप किसी को कुछ बोल दिया है, तो आप खुद की गलती को एक्सेप्ट करना सीखिए, ठीक है? एंड गाइस, और एक जो एनर्जी मुझे पिछले 4-5 दिनों से कंटिन्यूसली फील हो रही है, ये आपके डिवाइन मास्कुलिन की एनर्जी है, ठीक है? मतलब आपका जो डिवाइन मास्कुलिन है, वो इस वक्त आपको कमिटमेंट देने के लिए रेडी हो रहे हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो डिवाइन मास्कुलिन है, उनकी थ्रोट चक्र अब एक्टिवेट हो रही है, ठीक है? इसलिए जो हाईली डिवाइन फेमिनिन से अगर आप डेली हीलिंग कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, इनोवा कर रहे हैं, तो आपको इस वक्त आपकी थ्रोट चक्रा में बहुत ज़्यादा पेन फील हो रही होगी, या फिर आपको आपकी नेक एरिया में बहुत ज़्यादा पेन फील हो रही होगी, ठीक है? तो ये जो सिम्टम्स है, ये आपकी जो आउटर डिवाइन मास्कुलिन है, उनकी थ्रोट चक्रा एक्टिवेट की साइन है, ठीक है? तो अगर आपको ये साइन मिल रही है इस वक्त, तो आप लोग समझ जाएगा कि आपकी जो आउटर डिवाइन मास्कुलिन है, उनकी थ्रोट चक्र एक्टिवेट हो रही है, या फिर वो आपको कमिटमेंट देने के लिए रेडी हो रहे हैं, ठीक है? तो बहुत जल्दी आप दोनों कमिटेड हो सकते हैं, या फिर आप दोनों की जर्नी आगे बढ़ सकती है, ओके? इसलिए आप अपनी एनर्जी को हमेशा हायर डायमेंशन में शिफ्ट करने की कोशिश करिए, और आपकी जो आउटर डिवाइन मास्कुलिन है, उनकी एनर्जी को आप रिसीव करिए, ओके? उनकी एनर्जी से आप कनेक्टेड रहना सीखिए। एंड गाइस, जो हाईली अवेकन डिवाइन फेमिनिन से, या फिर जो हाईली अवेकन डिवाइन मास्कुलिन है, जिन लोगों की अवेकनिंग हो चुकी है, एंड आपका जो काउंटर सोल है, उनकी अवेकनिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो आप लोगों के लिए एक सजेशन है कि आप जितना हो सके अपनी जो एनर्जी है, अपनी एनर्जी को आप प्रोटेक्ट करना सीखिए, ठीक है? आप अपनी एनर्जी को किसी थर्ड पार्टी के साथ या फिर किसी 3D लोगों के साथ शेयर बिल्कुल भी मत करिए। हो सके तो आप अपनी हीलिंग एनर्जी को अपने आउटर ट्विन को भेजिए, ताकि उनकी अवेकनिंग जल्दी हो सके, उनके अवेकनिंग में आपकी जो हीलिंग एनर्जी है, उनको मदद कर सके, ठीक है? इसलिए आपको हमेशा अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करके रखना है, ठीक है? आप किसी के साथ भी अपनी एनर्जी को एक्सचेंज मत करिए, एंड जब भी आप किसी के साथ बात कर रहे हैं, या फिर आपको ज़रूरत पड़ रही है किसी के साथ बात करने के लिए, तो उसके बाद आप अपनी एनर्जी को, अपनी ऑरा को क्लींस करिए, ठीक है? या फिर हो सके तो आप अपनी एनर्जी को लग करके रखिए, अपनी ऑरा को लग करके रखिए जिसके साथ भी आप बात कर रहे हैं, ठीक है? नहीं तो वो लोग क्या करेंगे कि आपकी जो भी पजरीबिटी है, जो भी हीलिंग एनर्जी है, वो लोग आपकी एनर्जी को सक करके ले जाएंगे, और आप पूरी तरह मतलब निगेटिविटी में चले जाओगे, आपकी जो एनर्जी है वो लोअर डायमेंशन में चली जाएगी, ठीक है? क्योंकि आप लोगों की यूनियन के लिए आपकी एनर्जी का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, ओके? इसलिए आप जितना हो सके अपनी एनर्जी को सेविंग करना सीखिए, किसी के साथ भी अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना है, ओके?
देखिए गाइस, इस वक्त कलेक्टिव में तीन तरह की एनर्जी चल रही है। मतलब कुछ लोग सर्चिंग की मोड में है, मतलब अपनी ट्विन का सर्च कर रहे हैं, उनको ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं से सोल सक मिल चुकी है। तो वो लोग अपनी जो काउंटर सोल है उसको ढूंढने के लिए निकल चुके हैं, उनकी सोल की जर्नी स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। एंड जो लोग इस जर्नी के बीच में हैं, जिन लोगों को ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चल चुका है, जिन लोगों की अवेकनिंग स्टार्ट हो चुकी है, उन लोगों की सोल पर्जिंग इस वक्त बहुत ज़्यादा हो रही होगी, या फिर आपको 3D से बहुत ज़्यादा ट्रिगर मिल रही होगी। आपको आपकी फैमिली मेम्बर से, आपकी भाई बहन, मतलब सबसे आपको 3D से बहुत ज़्यादा ट्रिगर मिल रही है, ठीक है। तो आप इस ट्रिगर पर काम करिए, ओके। यूँ कहे तो आपका ये जो टाइम है, ये आपकी डार्क नाइट ऑफ द सोल की टाइम है, ठीक है, जिस टाइम में आपकी सोल की ग्रोथ होगी, ठीक है। तो आप इस टाइम को एक्सेप्ट करिए, ठीक है। आप खुद से जुड़ने की कोशिश करिए, और जो भी लेसन आपको डिवाइन सिखाना चाहता है तो आप उस लेसन को लर्न करना सीखिए, ठीक है। आप किसी के भी ब्लेम मत करिए कि आपका जो ट्विन है वो आपको इतना ज़्यादा ट्रिगर कर रहा है, या फिर आपके आसपास के लोग, आपकी फैमिली मेम्बर्स आपको इतना ज़्यादा ट्रिगर कर रहे हैं, आप उनको ब्लेम मत करिए, ओके। क्योंकि देखिए गाइस, आपके साथ जो कुछ भी होता है, आपको जिन लोगों से भी ट्रिगर मिलती है, वो लोग ये सब मतलब डिवाइन का प्लानिंग होता है, ठीक है। क्योंकि अगर आपकी लाइफ में कोई भी नहीं रहेंगे, कोई भी आपको ट्रिगर नहीं करेगा, तो आप कभी भी आपकी बेटर वर्जन में नहीं आ पाएंगे, ओके। इसलिए आपके साथ जो कुछ भी हो रही है, आप उसे एक्सेप्ट करिए, ठीक है। आप डिवाइन के पास जाइए और डिवाइन में कम्प्लीटली सरेंडर करिए, ओके। एंड और एक जो एनर्जी है कलेक्टिव में, ये है यूनियन की एनर्जी, ठीक है। तो ये जो यूनियन की एनर्जी है, ये सिर्फ हाईली अवेकन डिवाइन मास्कुलिन एंड हाईली अवेकन डिवाइन फेमिनिन्स के लिए है, ठीक है। जिन लोगों की यूनियन 2025 से लेके 2026 के बीच होने वाली है, ठीक है। जिन लोगों की अवेकनिंग 2020 से हुई है, ठीक है। तो जो लोग अपने ऊपर बहुत सारा इनोवा कर चुके हैं, अपने आप को पूरी तरह बैलेंस कर चुके हैं, अपना सब कुछ मतलब हील हो चुकी है, आप लोगों की यूनियन पक्का होने वाली है 2025 से 2026 के बीच, ठीक है। तो आप लोग अपनी एनर्जी को ऐसे ही बैलेंस करके रखिए, अपनी एनर्जी को हायर डायमेंशन में हमेशा शिफ्ट करने की कोशिश करिए, ठीक है। जितना हो सके आप अपनी ऑरा को लॉक करके रखिए, क्योंकि आप लोगों की यूनियन के लिए आपकी मतलब बहुत सारा एनर्जी चाहिए, ठीक है। आपकी जो हाईएस्ट वर्जन है, आपको आपकी हाईएस्ट वर्जन में रहना है, ठीक है। कभी भी आपको लोअर वाइब्रेशन में नहीं जाना है, लोअर एनर्जी में आपको नहीं जाना है, ठीक है। सो गाइज, जो न्यूली अवेकन ट्विन सोल्स है, जिनकी अवेकनिंग अभी अभी ट्रिगर हुई है, जिनको अभी अभी इस जर्नी के बारे में पता चला है, जो लोग डार्क नाइट ऑफ द सोल की फेज में गो थ्रू कर रहे हैं, तो आपको इस टाइम में अपने ऊपर काम करना है, ठीक है। आपको आपके सामने बहुत सारे मतलब इल्यूजन आ सकती है कि ये जो जर्नी है, ये आपको बहुत सारा कंफ्यूजन दे सकती है, ठीक है। बट फिर भी आपको इस जर्नी पे डाउट नहीं करना है, ना ही आपको आपकी ट्विन पे डाउट करना है, ठीक है। आपको सिंपली डिवाइन में कम्प्लीटली सरेंडर करना है, और अपना जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस जर्नी का, सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको डिवाइन के पास हाथ में दे देना है, ठीक है। और आपको अपना काम करना है, इनोवा करना है, ठीक है। तो आपकी इनर वर्क पे फोकस करिए, ओके। जब आपका इनोवा कंप्लीट हो जाएगी, जब आप पी यूनियन के लिए रेडी हो जाओगे, तो आपका भी टाइम आएगा जब आपकी यूनियन होगी, ओके। तो आगे ये जो यूनियन होने वाली है, ये सिर्फ हाईली अवेकन ट्विन सोल्स के लिए है, ठीक है। तो आप लोग अपनी यूनियन के लिए अपने आप को अंदर से रेडी करके रखिए, क्योंकि आपका जो डिवाइन मास्कुलिन है वो आपकी लाइफ में वापस आ रहा है एक कमिटमेंट को लेके, ओके। इसलिए आप अपनी यूनियन को, अपनी डिवाइनल यूनियन को क्लेम करिए डिवाइन से, ओके। सो गाइज, आई होप ये एनर्जी अपडेट आपसे रिजोनेट किया हो। जिन लोगों से ये एनर्जी रिजोनेट किया, आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, एंड ऐसे ही ट्विन फ्लेम्स एंड स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि अगेन अवेली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, ओके। एंड अगर आपके मन में ट्विन फ्लेम्स को लेकर कोई भी सवाल है, तो कमेंट में जरूर पूछिए, जिसका आंसर मैंने नेक्स्ट वीडियो में लेकर जरूर आऊँगी, ओके। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल।